हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आपकी यूट्यूब चैनल आर ए हिंदी और मैं इंद्र। तो आज हम करने वाले हैं कि ये जो हमारा सिरप की जो कैप होती है इसका हम कैंडल बनाएंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो इन कैपों से हमें कैंडल बनाने के लिए तो हम पहले कैप ले लेते हैं और फिर ये कैंडल जो है ये हम ले लेते हैं। और ये कैंडल का जो टूटा फूटा हिस्सा होगा तो तभी चलेगा। तो इसको हम पहले तो पिघला लेंगे, तो हम पहले पिघला लेते हैं इसको, फिर दिखाते हैं। तो व्यूअर्स, मैं इंडक्शन में इस कैंडल को पिघला लेती हूँ। तो पिघलाने के लिए मैं टोट दिया बीच से और इसका देख सकते हो कि इसको मैं पिघला रही हूँ। अब हमें क्या करना है कि इसका जो ये फ्यूज है, मतलब ये जो धागा है, उसको हमें निकाल लेना है। तो ये पिघलने के बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो इसको पिघलने देते। तो गाइस देख सकते हो कि मैं इसको निकाल लिया, ये पिघल गया था। तो इसका जो ये धागा है इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। तो इसको मैं निकाल लिया। और गाइस ये जो हमने धागा निकला था, तो इस धागा को हम बीच से काट देंगे और ये पांचों टुकड़ों में हम काट देंगे। तो इसको पांचों टुकड़ों में हम काट लेते हैं इसके हिसाब से। तो एक काट लिया, दोनों काट लेते हूँ, दो, तीनों भी काट लेते हूँ, तीनों, चौथा वाला भी मैं काट लेती हूँ, चौथा, और ये पांचा, पांच भी हो गया। और बाद में ज़रूरत हो तो बाद में फिर एक मैं काट लूँगा। तो इसके ऊपर मैं देखा देती हूँ कि कैसा लगता है। तो इसके ऊपर मैं दे रही हूँ, तो देख सकते हो। तो इसके ऊपर दे रही हूँ, तो मैं इसके ऊपर मोम डालती हूँ, फिर मैं दिखाता हूँ कि ये कैसा लगता है। तो व्यूअर्स, मैं यहाँ पर मोम ले लिया हूँ। तो हमारा ये जो कैप था वो एक एक करके मैं सारे ले लिया हूँ यहाँ पर। और ये जो हमारा मोटी धागा था उसको आप दे देना, उसको पहले मोम डालेंगे फिर देंगे। तो पहले मैं मोम डाल रही हूँ मैं, तो देखना पड़ेगा हाथ में ना गिरे, धीरे धीरे से डालना पड़ेगा। तो मैं सारे में डाल देती हूँ, मैं डालने के बाद दिखाता हूँ, मैं पहले डाल लेती हूँ। वो देख सकते हो कि मैं ये सारे में डाल दिया और एक ज़्यादा लगा, इसलिए मैं एक ज़्यादा कैप ले लिया। तो देख सकते हो, और ये जो हमारा धागा था इसको इसके ऊपर दे दूंगा, बाद ये सूख जाए, इसलिए पहले सूखा देती हूँ। इसके बाद मैं इस धागा को यहाँ पर लगा दूंगा। तो पहले तो ये सूखने को लिए मैं रख देती हूँ। तो गाइस देख सकते हो कि हमारा ये सूख गया है और इसके अंदर जो हमारा ये धागा है इसको डाल दूंगा। तो मैं डाल दिया एक को, तो ये देखना पड़ेगा कि ये बीचों बीच ही हो। तो दोनों को भी मैं डाल दिया इस तरफ से, मैं सारे में ही डाल दूंगा और फिर सूखने के लिए राह छोड़ दूंगा। तो मैं सारे में डाल देती हूँ। तो गाइस देख सकते हो ये सारे में आगे वाला भी मैं डाल दिया। अब हमें क्या करना है, इसको और भी सूखने देना है और देख इंतज़ार करना है लास्ट अवधि। तो हम इंतज़ार करते हैं। तो व्यूअर्स देख सकते हो कि हमारे ये कैंडल जो है तैयार हो गया है। तो आप इसमें आग देंगे और देखेंगे कि ये कैसे वर्क करते हैं। तो देख सकते हो, तो आप लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। तो हम इसको आग लगाते हैं और देखते हैं कैसा लगता है। तो हमारा कैंडल को मैं आग लगा रही हूँ, तो देख सकते हो। तो पहले वाले में मैं बड़ी वाली में भी आग लगा रही हूँ, तो इसको मैं आग लगा दिया और इसको भी मैं आग लगा रही हूँ। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, इस ये भी प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा। तो मैं इस वो वाली कैंडल, ये वाली कैंडल से ही मैं आग लगा लेती हूँ। तो मैं सारे कैंडल में ऐसे ही आग लगा लेती हूँ। तो देख सकते हो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है, मेरा तो बहुत ही अच्छा लगा, तो आपको भी अच्छा लगा होगा। तो मैं दिखा देती हूँ और इसको और साइड और दोनों साइड से भी मैं दिखा देती हूँ कि ये कैसा लग रही है। तो इसको देख सकते हो कि ये आग बहुत ही खूबसूरत लग रही है, ये इस तरफ से बहुत ही अच्छी लग रही है। तो मैं और एक साइड से दिखाने की कोशिश करूँगा। तो मैं और एक तरफ से